कोकिलास पता ही है क्या होता है, कोयल, कोकिलास, कोयल, कोकिला, हेल, मतलब होता स्वागत करना, वेलकम, स्वागत, कोकिलास मतलब वो अलग है, कोयल कोयल मतलब कोयल, कोयले, कोयल, सर जब कोई थैंक यू कहते हैं वेलकम कहते हैं। When first my casement is wide open, तो नहीं समझ में आया। फिर लेखिका जो है वो बता रही है कि उसके जो बगीचे, उसके गार्डन में पेड़ लगा है उसके बारे में बता रही है कि सबसे पहले हाँ इनको खिड़की खोलने में मजा आ रहा है, समझ When जब सबसे पहले मैंने अपनी खिड़की, अपने गेट की खिड़की, अब क्या हुआ? खुश हो गई ऑन इट्स रेस्ट, इस रेस्ट मतलब इसको देखकर, किसको, अब रेस्ट मतलब आराम होता है लेकिन यहाँ क्या लगेंगे, ट्री को देखकर, समटाइम्स कभी कभी या कभी, एंड मोस्ट इन विंटर, एंड मोस्ट इन विंटर ज्यादातर इन विंटर यानी सर्दियों में, ऑन इट्स क्रेस्ट इसकी क्रेस्ट चोटियों को, इन ऑन इट्स क्रेस्ट चोटियों पर, आ ग्रे बबून, एक ग्रे बबून यानी बंदर, सिट्स स्टैचू लाइक अलोन, एक बबून जो है सिट्स मतलब बैठा है, स्टैचू मतलब स्टैचू लाइक अलोन अकेला बैठा है, स्टैचू की तरह, लाइक स्टैचू है मतलब स्टैचू की तरह, वाचिंग द सनराइज, क्या देख रहा है, सनराइज यानी उगते हुए सूरज को देख रहा है, वाइल ऑन लोअर बफ्स, बफ्स मतलब क्या होती है, लता है ये, बफ्स मतलब होती है शाखाएं, वाइल वाइल मतलब ऑन, वाइल मतलब वहीं, या जबकि ऑन लोअर मतलब निचली शाखाओं पे, हिज पूनी ऑफस्प्रिंग उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लीप मतलब उछल कूद रहे हैं, अबाउट एंड प्ले और खेल रहे हैं, एंड फार एंड नियर, एंड फार एंड नियर दूर और पास में, थोड़ी दूर या थोड़े पास में, कोकिलास मतलब कोयल, हेल दादे, हेल मतलब क्या होता है, स्वागत करना, कोयल क्या कर रही है, दिन का स्वागत कर रही है, मतलब सीन कुछ ऐसा है कि उसने खिड़की जैसे दरवाजे खोली, सामने एक वृक्ष का पेड़ नजर आया, जो भी पेड़ वो नजर आया, उसके बाद पेड़ को देख के उसकी क्या बहुत आंखें आनंदित हो रही, फिर ज्यादातर उसकी चोटियों पर एक ग्रे बैठा रहता था, एक अलोन अकेले स्टैचू की तरह जो सनराइज को देखता था, ठीक, और वहीं उसकी निचली जो डाल थी, शाखा थी, उस पे उसके बंदर के बच्चे थे, वो खेलते कूदते रहते थे, और वहीं पास में या दूर में, थोड़ी दूर या थोड़े पास, कहीं भी कोकिला जो है, हेल दैट डे, कोकिला क्या कर रही, स्वागत कर रही दिन का, कोकिला मतलब कोयल, एंड टू देयर पास्चर, पास्चर मतलब होती चरागाह या ऐसा मैदान जहाँ पे बहुत सारी घास हो, एंड टू देयर, देयर किसके लिए लगा, उस गार्डन के लिए, तो एंड टू देयर पार्चर्स मतलब उसी गार्डन के या उसी बगीचे के चरागाह में, वेंड आवर स्लीपी गाओ, काउ स्लीपी मतलब सुबह का टाइम है, स्लीपी मतलब नींद से भरी हुई जो गाय है वो चर रही या टहल रही है, एंड इन द शेडो, एंड इन द शेडो मतलब, शेडो मतलब परछाइयों में, क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह तमीज धूप निकलती नहीं, क्या होती है परछाई होती है, किस तरह परछाई, ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट, एक बहुत ही परछाई वाले जो तंबू होता उसके तरह, सुबह का माहौल कैसा होता है जानते हो, पूरी छाई रहती है, मतलब ऐसा ऐसा वहां का सीन है कि वहां की छाई है बहुत सारी, किसकी तरह, शेडो की तरह, यानी वही टेंट, हाँ तंबू ऐसे लगाए जैसे बहुत सारी वहां पे छाई हो, बाई दैट होरी, होरी मतलब होता ओल्ड मतलब बूढ़ा या पुराना, बाई दैट ओरी ट्री सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, बाई दैट उस, ये सब किसके वजह से हो रहा है, बाई के द्वारा, दैट होरी ट्री उस बूढ़े या पुराने वृक्ष की तरह, सो ब्यूटीफुल जो बहुत ही सुंदर, एंड वाट मतलब फैला हुआ या विशाल है या बड़ा है, द वाटर लिलीज स्प्रिंग, वाटर लिलीज मतलब क्या होता है, जलकुंभी, स्प्रिंग मतलब खिली हुई या निकली हुई है, लाइक स्नो इमेज्ड, लाइक के तरह स्नो मतलब बर्फ, इमेज मतलब ढकी हुई, ऐसे जलकुंभी जल पे तैर रही जैसे बर्फ ढकी रहती है, किसको, फर्श को, जमीन को ढकी रहती है बर्फ, समझ आया, हाँ जलकुंभी जब बहुत ज्यादा पानी नहीं लगता, हाँ फर्श की तरह, अगला, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशेंस, मतलब क्या अभी बताया, सौंदर्य, भव, शानदार, कुछ भी कहो, ग्लोरियस, हाँ ग्लोरियस, बट नॉट बिकॉज ऑफ, किसके, अभी जो चीज कहानी बताई है कि पेड़ की तारीफ क्यों हो रही है, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिशेंस, बट नॉट के, बल्कि नहीं, बिकॉज मतलब बिकॉज ऑफ के कारण, इट्स मैग्निफिशेंस इसकी सुंदरता के कारण नहीं, डियर इज द कैजुरेना टू माई सोल, मेरी सोल को कैजुरेना डियर है यानी प्यारी है, जो कैजुरेना पसंदीदा जो वृक्ष अपने बारे में बता रही है, मेरी रूह या मेरी आत्मा को ये इस वजह से प्यारी नहीं कि इसकी सुंदरता की वजह से, क्यों प्यारी है, बल्कि बिनीट इट वी हैव प्लेड, बिनीट इसके नीचे इट वी हैव प्लेड हमने खेला है,
2 ईयर्स में रोल बहुत सारे समय व्यतीत किए, बहुत सारा जीवन व्यतीत किया है। ओ स्वीट कंपेनियंस, कंपेनियंस मतलब उसके सारे मित्रगण जो हैं। ओ स्वीट और प्यारे मित्रगण हो, लव्ड विद लो इंटेंस, इंटेंस मतलब क्या होता है, उत्सुकता, प्यार की उत्सुकता यानी प्यार भरी उत्सुकता से तुम्हें बहुत सारा प्यार, किसको, ओ स्वीट कंपेनियंस को। फॉर योर सेक, फॉर योर सेक मतलब अपने लिए या तुम्हारे लिए, फॉर योर तुम्हारे लिए। शैल द ट्री बी एवर डियर, ये जो ट्री है बी एवर डियर, हमेशा क्या रहेगा, मेरा प्यारा रहेगा, तुम्हारे वजह से ये पेड़ हमेशा प्यारा रहेगा। ब्लेंड विद योर इमेजेस, तुम्हारी इमेजेस प्रतिबिंबों से, ब्लेंड मतलब दो मिल पड़ जाता है। इट शेल अराइज इन मेमोरी, ये जो जो इमेजेस हैं, इट शेल अराइज ये उत्पन्न होती हैं इन मेमोरी याददाश्त में, टिल जब तक द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, टिल जब तक द हॉट टीयर्स मतलब गर्म आंसू, ब्लाइंड मतलब धूमिल नहीं कर देते, माइन आइज मतलब मेरी आंखों को, मतलब जो तो ये जो पेड़ है इसको देख के तुम्हारी याद आती है और ये यादें उत्पन्न तब तक ये खत्म नहीं होती जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते या मेरी आंसू मेरी आंखें गर्म आंसू से धूमिल नहीं हो जाती। ठीक, वाट इज दैट, डर्ग लाइक मर्मर, डर मतलब पता है अभी विलासतापूर्ण सॉन्ग जो होता है, सौरवपूर्ण सौरवफुल जो सॉन्ग होता है, सैड सॉन्ग। वाट इज दैट डर्ग लाइक मर्मर दैट आई हियर, वाट इज दैट, ये क्या है डर्ग मतलब सैडनेस सॉन्ग यानी दुखतापूर्ण गीत, ये कैसा दुखतापूर्ण गीत है, लाइक मरमर एक खुशफुसाहट की तरह, दैट आर हियर जो मैं सुनती हूँ। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच, लाइक द सी एक समुद्र की तरह, ब्रेकिंग जो तोड़ता है या जो टकराता है ऑन अ सिंगल बीच, समुद्र के किनारे वाले तट पे जो पानी टकराता है, वैसी ये कैसी फुसफुसाहट जो वैसी ये कैसा संगीत है जो मुझसे फुसफुसा रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक, इट इज द ट्रीज लेमेंट, ये ट्री यानी वृक्ष का वो है विलाप है, एन एरीज पे जो एक विचित्र सारांश की तरह है। दैट हैप्पली, हैप्पली मतलब क्या होता है, संभवता, दैट हैप्पली जो संभवता मे रीच, अब यहाँ मे रीच पहले लगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इधर है, हेल्पिंग वर्ब इधर है, मे रीच जो पहुंचेगा कहाँ पे, टू द अननोन लैंड एक अनजान भूमि पे, ये जो विलाप है जो विचित्र सारांश है, शायद या संभवता ऐसे जगह पहुंच जाए जो अनजान भूमि है, अनजान भूमि मतलब ऐसे जगह क्योंकि उसके दोस्त कहाँ पे, अनजान जगह पे, तो ये ट्री के जो लैमेंट है जो विलाप है शायद संभवता इसी के पहुंच जाए जहाँ पे उसके दोस्त लोग हैं, वहां पे उन्होंने लिखा कि अननोन लैंड मतलब दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच, दैट जो हैप्पली संभवता टू द अननोन लैंड एक अननोन यानी अनजान भूमि पे में रीच पहुंच जाए, ये जो विलाप है शायद ऐसी जगह पे संभवता कि जहाँ पे उसके दोस्त है वहां अननोन लैंड यानी अनजान भूमि पे पहुंच जाए।